मैं अपने मामा के घर रहता था। मामा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीबी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर ये मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीबी भी मेरी मामी जैसी हो, वह सब भ्रम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबी कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 6 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी साधी नजर आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी है। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रमेश है। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक गाँव से है और मेरी जिंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसीलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फोन करके बहुत नाराज हुए। मैं डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वे लोग परेशान ना हो जाएं। ये सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, तुम एक दफा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराजगी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहले दफा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से आधी और इंतहाई हसीन और खूबसूरत थे। शायद ये सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रमेश ये तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम इस तरह हॉस्टल की जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने से 20 दिन बाकी हैं और तुम्हारे मामा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूंगी। बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं, अगर करूंगा तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी जरूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीबी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैं मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूंगा।
मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आ गए तो मामी बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं था। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। मैं मुस्कुरा कर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम नव्या है, तुम मुझे नव्या कहकर पुकार सकते हो, मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तो मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक कह रही थी, उम्र में तो तकरीबन मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगा। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहते हैं कि रमेश तुम मुझे नव्या ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें नव्या कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, वह इस तरह मेरा ख्याल रखती थी कि मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नव्या के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता तो मेरे इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरे भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीबी अकेले नहीं है। मामी को कहीं से घूमने जाना होता तो मैं मेरे साथ ही जाती, शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामू जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए हुए पूरा एक महीना हो गया था और उस एक महीने में मैं और नव्या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो नव्या को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये नव्या मेरी मामी हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन न आया। फिर जब नव्या उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो कहने लगी, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारा मामू कैसे दुबई चला गया? इतनी खूबसूरत बीबी को तनहा छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हारे मामा को जरा खौफ नहीं आया? अपने दोस्तों की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वे लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतने खूबसूरत लड़के के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरे मामे पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में डाल दिया था, लेकिन रात को जब नव्या किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के एक बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो नव्या को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीव की नाइटी में उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नजर में बार बार बहक रही थी। नव्या को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या बात है रमेश, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फौरन ही अपनी नजर झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ये क्यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने नव्या से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसीलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर नव्या ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है। अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर नव्या ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी ये हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसीलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी कहीं बदली नजरों को नव्या को महसूस तो नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि नव्या मेरी मामी है और उसके लिए मेरे ऐसे बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी नव्या का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता है। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को नव्या से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था।
उस रात के बाद मैं खुद को नव्या से बहुत ज्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। नव्या भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती है और बहुत बातें करती। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर गुस्सा आता है कि उन्होंने नव्या को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपने बीबी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपने दुबई की नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी थी। मामा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ पैसों की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की मेरी मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके दरमियान एक बार तकलीफ वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती थी कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं हद से ज्यादा बिजी हो चुका था। नव्या अक्सर ही मुझसे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बातें करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे जरूर बाहर ले जाऊंगा। और फिर नव्या की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफी देर तक एक साथ वक्त गुजारे। इस रात को मैं पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब कर दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसीलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसीलिए मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त नव्या गहरी नींद में सो रही होती। लेकिन जैसे ही मैं नव्या के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसीलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और उस पर नव्या की हालत में सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे, उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। नव्या हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं नव्या, तुम्हें मैं मिल गया हूँ, तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो नव्या कहने लगी कि वाकई ये मामा भांजे तो सच में नामर्द हैं। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझ पर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की जिंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बात कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं बल्कि उसके साथ की भी जरूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद जब वह मुझे छोड़कर गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता इख्तियार करूं। नव्या खुले लफ्जों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रखती थी और मैं घर से बाहर निकल आया था, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि नव्या गलत था या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा नव्या को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नव्या जिस तरह उनके एतबार की धज्जियां खराब की थी, वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझ कर मैंने एक फैसला किया और अपने मामा को फोन कर दिया और उन्हें बताया कि नव्या उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी, इसीलिए मामा उसे अपने पास बुला ले।
मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तनहा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं नव्या को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए ये बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वे मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी, इसीलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार होली के दिन